सभी भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल राहुल तोमर नस्ल सुधार उत्तर प्रदेश में। जय गो माता, जय भारत, मेरा भारत मान। आज भाइयों, ये आप जो आपको गो माता दिखा रहे हैं और वो भैंस भी आगे बताएंगे, वो भैंस सामने सेल के लिए है। पहले इस गो माता का आपको डिटेल बता रहे हैं। ये थार पार्कर जो गो माता है, और तो अभी इंट्रोडक्शन कराएंगे। अभी नमस्कार जी, नमस्कार जी, आपका नाम क्या है साहब? नरेंद्र राणा। अच्छा जी, तो ये दाहक जो गांव है, जिला बागपत है, और नरेंद्र राणा जी है। अच्छा जी, तो ये कहाँ से खरीदी थी आपने? ये गंगानगर से ले आए थे। अच्छा जी, तो ये गंगानगर से। हाँ। तो ये ब्याह हुई या नहीं? अच्छा, बहन थी या बहन थी? अच्छा सर, तो आप थोड़े इस साइड आ जाओ। ओपरे आदमी से। अच्छा, तो ये कितने खरीदी थी वहाँ से? 45,000 की खरीदी। अच्छा, 45,000 की। तो ये दूध दाद कितना बता रहे थे? दूध उन्होंने 16 किलो दूध बताया था आज के नीचे। हाँ। अरे नु कहते ज्यादा ही देगी। अच्छा, तो फिर क्या अभी इसकी एक तरफ की पक्षी सी चढ़ गई है। हाँ। तो ये ब्याने में कुछ दिक्कत हुई? ब्याने में से दिक्कत रही या बच्चा कढ़वाना पड़ा था। तो भाईयो देखो, दूरी से जो पशु के बन लाते हैं तो थोड़ी मतलब परेशानी बढ़ जाती है। या 10 दिन पहले भी आ गई? हाँ, 10 दिन पहले भी आ गई। अच्छा, हल्के नहीं भी आ गई? हाँ, बच्चा ही कढ़वाना पड़ा। चलो जी, खैर। हाँ, पर अच्छी गो माता है। जो आगे इसे बच्चे बच्चा तो ले लियो। और ये देखो, इसकी जो उड़िया है भाइयों, वहाँ की जो मतलब खरीदी हुई, ये जो टैग नंबर है, वो जो टैग नंबर निकाल दिया भाई। आवेदक का नाम सिनेन्द्र राणा, ये जो नंबर हो गया। विक्रेता का पता, जो गौरी शंकर है कोई है। हाँ। इंद्र कुमार विलेज, तो ये सारा है भाइयों, आप इसमें पढ़ते रहना। अच्छा जी, और तो चलो जी, अब वो दिखाइए भैंस। तो जी, भैंस कितने किलो दूध की है? हाँ, तो ये नरेंद्र आर्य जी। हाँ, भैंस ने मारा 18-19 लीटर दूध। 18-19 किलो? हाँ। अच्छा, तो ये कौन सी बार की ब्याह है? ये आपका तीसरा ब्याह होगी। अच्छा जी, तीसरी बार की ब्याह। हाँ, 6 दांत लाए थे हम, जिसके आड़ू भी थी। देखो भाई, ये 6 दांत लाए थे। अच्छा अच्छा, तो एक बार पीछे से भी कवर, एक जो एक खोल कर दिखाओ, चला दिखाओ, खोल कर दिखाओ। अच्छा, तो ये अब कितने दिन की आली के बन? ये 12 तारीख को इसे पूरे दिन हो जाएंगे। तो भाइयों, ये जो 12 तारीख आ रही है, तो उसमें 10 हो जाएंगे पूरे। हाँ। और तो जड़ तो अभी तो जो खोले लग रही है, तो बहुत खोलेगी, शुरू ही करी। चलो चलो, इधर लेके चलो। देखो भाइयों, तो वैसे तो दूध की भैंस है, वैसे तो कोई भी आदमी बता देगा दूध वाली भैंस है भाइयों। हाँ, तो ये तो एक आम पशुपालक है, कोई ब्रीडर नहीं है बड़े। लाओ, घुमा के लो, घुमा के लो। तो हो सके भाइयों, देखो जब 18-19 किलो इनके यहाँ पे दे रही है, तो 20-22 किलो दूध भी दे सकती है वैसे। तो तीसरी बार की है जी। है, अच्छा जी। अच्छा, देखो भाइयों, तैयारी में भैंस ठीक ठाक है। अभी गर्मी भी ज़्यादा है, तो भैंस परेशानी तो मानती ही है। जब भैंस क्या, बल्कि सारे पशु मानते हैं। एक बार भी बोल दो। हाँ, तो ये पास में कटोगे। हाँ जी, 90-58-47-47-12-45-12-45। भाइयों, ये नंबर है आर्य जी का, और जो भी रेट की बात तय करनी है, वो आप जो अपना जो मतलब बात तय करें, हम बीच में कोई हमारी बातचीत नहीं ना हम जो इसमें। हाँ, ये तो हो सकेगा कोई जो 1,000-2,000 का सौदा रह जाए, वो सौदा करवा देंगे, पर लेकिन बीच में इंटरफेयर हमारा कुछ नहीं है। और भाइयों, एक और सच्ची बात, जब भी पशु लो तो वो ठोक बजा कर लो। आदमी 2 रुपये की हंडी ले तो वो भी बजा के दिखे। ये मेरे बात गलत है जी? अक्सी है। अच्छा, दाम देगा, दे देंगे नहीं। हाँ हाँ नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भाइयों, मेरा कहने का मतलब है, जो पशु को अच्छी तरह देखो, बल्कि ब्याण दो, अपनी साई पाई दे दो, और ब्याहो, और ब्याह का धार पार मार के जो बढ़िया तरीके से दूध दे कर ले जाओ। फिर जो देखो, पशु अपनी किस्मत का भी है भाई, ल्याओ तो पशु मतलब बढ़िया, और हो जाए खराब, और हो खराब आकर लोग डर जाए बढ़िया। तो पर वैसे भैंस अच्छी है, मुठिया थन है, पीछा चौड़ा है, और अच्छी हाइट लेंथ की है। तो चलो, वो जी जो वो परली कटिया इसी की है। हाँ। चलो जी, वो भी दिखाओ जी। भी तो देने का मन बना, मां कटिया तो हो ही गई। अच्छा, तो या भाइयों, धन्ना सोर की से प्रेग्नेंट है भैंस, और तो चलो जी, दिखाओ भाई। देखो भाइयों, तो ये कटिया कौन की भाई? SKG 5 स्टार होटल की। अरे वाह, क्या कहने भाई। अच्छा, ये गाय है जी वो तुम्हारी, तो ये कितना किलो दूध निकाल दे जी? ये तो 30-32 किलो तो काट दे। बहुत तेरा बोलो जाए। देखो भाई, ये क्रॉस है,
साहिवाल की आगे सूंड भी और ये जो नाभी भी है, मैंने भी इसको यही की थी ना साहिवाल से एक बार, वो क्या था इन्हें थारा बोला भाई। चलो अब की बार इसकी सेक्सल सीमन से वो यही करेंगे। 211 62 अच्छा देखो भाई, ये 211 62 से तो जो ये 32 किलो दूध की है जी हैं। अच्छा अच्छा तो भाइयों हाँ, तो दूध की तो है, दूध तो मैं बैठा दिया हमने, छोड़ दिया। अच्छा दूध छोड़ दिया हाँ। तो अब भैंस की डाइट क्या चल रही भाई? भैंस की डाइट कुछ नहीं, जो ना नाचबा तो खिला रहे होंगे, जो तेल ताल कुछ ना ही भी कुछ नहीं। अच्छा अभी तो बीआई पे ही देख रहे हैं जो दे। अच्छा बीआई पे देते हो हाँ। तो भाइयों एक बार और जोहारी जी, एक बार अपना मोबाइल नंबर बोल दो फिर बाद में। 9857 47 1245 1245। भाइयों ये आर्य जी का नंबर है जो नरेंद्र जी का, और किसी भी भाई को भैंस लेने के इच्छुक हो तो अच्छी भैंस है, बहुत दूध की भैंस है वो, इनकी गोमाता है और काफ़ी जो मतलब बड़ा भी घेर है देखो बहुत अच्छा, और वहाँ भी पहली तरफ ये कि दोनों घेर मिला कर कि मतलब 4 बीघे के लगभग के हैं। तो भाइयों संपर्क कर सकता है किसी भाई को इच्छुक हो जो लेने के, और ये बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। आपके लिए ही आपको अच्छी अच्छी चीज़, अच्छे अच्छे पशु, अच्छी अच्छी जानकारी देने का ही हमारे चैनल का माध्यम है। यही हमारी सोच है कि आप हमारी उत्तर प्रदेश में नस्ल सुधार हो, अच्छे दूध के पशु जो पैदा हो। तो भाइयों बस, तो चैनल को तो लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो उसके लिए आपका जी बार बार धन्यवाद। जय गो माता, जय भारत, मेरा भारत महान।